नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रायसेन जिले में बीते दिन शनिवार को जिले के थाना बैगमगंज का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पुलिस को अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में एक बड़ी सफलता मिली है। बैगमगंज में थाना क्षेत्र के एक खेत में नर कंकाल मिला था, जिसकी शिनाख्त न हो पाने की वजह से पुलिस काफी परेशान थी। पुलिस को कड़ी मेहनत के बाद मिली सफलता, जहां पर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया और अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बताया गया कि बैगमगंज तहसील अंतर्गत करहुला ग्राम में 1 मई को यहां के किसान मोतीराम के खेत में एक नर कंकाल मिला था। एसडीओपी की देखरेख एवं कार्यक्षेत्र में बैगमगंज थाना प्रभारी राजपाल जादौन जब दल बल के साथ पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की, तो वहां पर सागर जिले के निवासी आरोपी पुष्पेंद्र दागी ने अपनी प्रेमिका को उससे छुटकारा पाने के लिए पहले उसे मौत के घाट उतारा, फिर साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शहवाल रायसेन के निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के कुशल मार्गदर्शन में जहां पर एसडीओपी सुनील कुमार बरकड़े बैगमगंज के द्वारा एक टीम गठित कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जांच के दौरान आरोपी पुष्पेंद्र दांगी, उसके मामा रंजीत दांगी और चचेरे भाई नरेंद्र द्वारा 22 वर्षीय युवती काजल अहिरवार निवासी ग्राम कर्रापुर थाना बहेरिया जिला सागर के रूप में पहचान की गई। राजेश साहू की रिपोर्ट। करोला में जो नरकंकाल मिला था किसका था? 1 मई को गांव के चौकीदार का फोन आया था पुलिस के पास कि खेत में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी सुन मैं खुद और पूरा बेगमगंज स्टाफ वहां पे गया, जाके देखे वहां पे एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। आसपास सर्चिंग करने के बाद वहां पे एक मोबाइल मिला। मोबाइल का तकनीकी साक्ष्य के आधार पे जब साइबर सेल को भेजा गया तो वो मोबाइल रंजीत दांगी कर्रापुर का पाया गया। कॉल डिटेल के आधार पर ये पता चला कि वो मोबाइल रंजीत दांगी का है और वो पुष्पेन दांगी, जो कि उसका रिश्ते में भाई लगता है, उनके संपर्क में था। उसके बाद पुलिस जब तफ्तीश में आगे बढ़ी मर कायम करने के बाद, तो पता चला कि कर्रापुर की एक लड़की कुछ दिनों से मिसिंग थी और उसने पुष्पेन दांगी के साथ मतलब विवाह कर लिया है, साथ में रह रही। जब उसके पिता ने ये बात पता किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इससे संदेह हुआ कि उसकी हो सकता है हत्या हो गई हो, और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर ये पता चला कि उसके पिता ने उसको पहचानने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया कि उसी की लड़की है। आरोपी पकड़े गए सर? हाँ, इसमें 3 आरोपी पकड़े गए हैं, रंजीत दांगी, पुष्पेन ठाकुर और उनका एक रिश्तेदार है नरेंद्र दांगी, जिनके विरुद्ध आईपीसी 302, 201, 34 और SC/ST का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रेम प्रसंग का मामला है ना सर? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। थैंक यू।